PR 307 इकाई संख्या 2 जनरल ऑपरेशंस इन प्लेट मेकिंग की इस कक्षा में सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन है। PR 307 फोटोलिथो प्लेट मेकिंग से संबंधित अध्याय है। फोटोलिथो प्लेट मेकिंग में फोटो शब्द यह प्रदर्शित करता है कि इससे प्लेट मेकिंग या इमेज कैरियर प्रिपरेशन प्रोसेस में फोटोग्राफी का यूज़ किया जाता है, यानी वो पद्धतियाँ जिनमें फोटोग्राफी के लिए कुछ प्रोसेसिंग होती है वो सब फोटो शब्द से संबोधित किए जा सकते हैं। फोटोलिथोग्राफी लिथोग्राफी की वो विधियाँ जो फोटोग्राफी से प्रभावित हैं फोटोलिथोग्राफी हैं। फोटोलिथोग्राफी के अंतर्गत लिथोग्राफिक इमेज सरफेस बनाने या इमेज कैरियर सरफेस बनाने, लिथोप्लेट बनाने के लिए फोटोग्राफिक प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत फोटोग्राफी के लिए तैयार नेगेटिव की मार्फत एक्सपोज दिया जाता है। एक्सपोजर के पश्चात उसको फोटोग्राफिक केमिकल्स के द्वारा प्रोसेस करके प्लेट बनाया जाता है, तो हम उसको फोटोलिथो प्लेट मेकिंग कह देते हैं। यानी प्लेट मेकिंग की वो विधियाँ जो फोटोग्राफिक प्रोसेस की सहायता से एक इमेज कैरियर बनाई बनाती हैं या इमेज एरिया बनाती है, वो फोटोलिथो प्लेट मेकिंग का भाग है। तो इसमें फोटोग्राफी का भी भाग है और मैकेनिकल प्रोसेस का भाग है, इसलिए दोनों को मिला के फोटोलिथोग्राफी कह देते हैं। तो फोटोलिथो प्लेट मेकिंग में लिथो प्लेट निर्माण की प्रक्रिया है। लिथो प्लेट के संबंध में हम जानते हैं कि ये धातु निर्मित एक टुकड़ा है और इस टुकड़े को प्रोसेस करके हम इमेज कैरियर सरफेस का रूप देते हैं। धातु निर्मित टुकड़े से पूर्व परंपरागत पद्धति या प्राचीन समय पे या लिथोग्राफी के आविष्कार के समय लिथो स्टोन का प्रयोग किया जाता था। उस लिथो स्टोन के नाम पर ही इस विधि का नाम लिथोग्राफी पड़ा है। लिथो स्टोन के दो टुकड़ों के मध्य बालू और पानी का एक मिश्रण रख के उसको आपस में टकराया जाता था, घुमाया जाता था, तो दोनों पत्थर आपस में एब्रेसिव यानी कि फ्रिक्शन के साथ, घर्षण के साथ मूव होकर के एक दूसरे के सरफेस पर ग्रेन्स बनाते थे। तो मेटल के संबंध में ग्रेडिंग कहा जाता है और लिथो स्टोन के संबंध में ग्राइंडिंग कहा जाता है। तो उसमें ग्राइंडिंग की जाती है, इसमें ग्रेडिंग की जाती है, फिर उसके बाद में उसमें भी इमेज फॉर्मेशन ग्रीजिंग से किया जाता है। इसमें भी इमेज फॉर्मेशन के लिए डेवलपिंग के बाद ग्रीजिंग इंक का उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर के दोनों ही पद्धतियों में ग्रीजिंग इमेज एरिया हमारा ऑयली या ग्रीज रिसेप्टिव या इंक रिसेप्टिव बनता है। तो लिथोग्राफी का मूल सिद्धांत है कि इमेज एरिया ऑयली इंक रिसेप्टिव होगा और नॉन इमेज एरिया वाटर रिसेप्टिव होगा। ये दोनों ही सिद्धांतों की पूर्ति के लिए प्लेट को प्रोसेस किया जाता है। तो प्लेट की प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड साइज की मेटल की एक शीट को काटने से लेकर के उसको ग्रेन करने, उसको उस पर एक लाइट सेंसिटिव इमल्शन की लेयर चढ़ाने, उसको एक्सपोजर देने, उसको डेवलप करने, उसमें किसी भविष्य में खराबी को रोकने के लिए उसको डिसेंसिटाइज करके सुरक्षित रखने आदि की समस्त क्रियाएं आ जाती हैं। तो इसमें अध्याय 2 में जनरल ऑपरेशंस इन प्लेट मेकिंग के बारे में कहा गया है कि वो कौन से सामान्य चरण हैं जो सामान्यतः लिथो प्लेट मेकिंग हेतु अपनाए जाते हैं, उनके बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों के हम जवाब देंगे और ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप सवालों को हल करने का तरीका जानेंगे। लिथो प्लेट में जो मेटल्स हैं, चाहे वो जिंक है या एल्यूमिनियम है, उनकी प्रोसेसिंग करके उनको एक इमेज बेस्ड मेटल के रूप में प्रोड्यूस किया जाता है। तो नॉन इमेज बेस्ड मेटल को इमेज बेस्ड मेटल तक लाने में कई प्रकार की सीक्वेंस ऑपरेशंस होते हैं। जैसे पहले हम ग्रेनिंग करेंगे, ग्रेनिंग करने के लिए ग्रेनिंग मशीन है या अन्य विधियों के द्वारा उस पर एक रफनेस खुरदरापन पैदा किया जाता है। ग्रेनिंग के द्वारा मेटल सरफेस पर रफनेस पैदा की जाती है, इससे उसमें ग्रेन्स बनते हैं। ग्रेन्स के द्वारा तो मेटल सरफेस में
द्रव अवशोधन क्षमता लिक्विड एब्जॉर्बेंसी पावर पैदा होती है, इससे जो भी केमिकल्स या जो भी लिक्विड्स जो सरफेस पे अप्लाई होंगे उनको इजीली प्रोसेस करके उनका प्रभाव उस सरफेस पे हो सकता है। तो ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग के बाद में जो भी ग्रेडिंग सरफेस का उपचार करके उसको अच्छी तरह से उसकी कीचड़ या उसमें जो भी ग्रेडिंग के मटेरियल्स थे उनको हटा करके उनको शार्प करके उनको सुखा करके उस पर कोटिंग की जाती है। कोटिंग के संबंध में जो भी लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं वो रेडीमेड बाज़ार में होते हैं और उनको एक स्पंज से लेकर के उस प्लेट पर अप्लाई किया जाता है। सर्कुलर मोशन में, लेफ्ट टू राइट मोशन में, टॉप टू डाउन मोशन में इस तरह घुमाया जाता है, इस तरह रब किया जाता है ताकि समान लेयर, इक्वल लेयर संपूर्ण सरफेस पर जमा हो। तो कोटेड लाइट सेंसिटिव मटेरियल को जमाने के बाद उसको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद वो प्लेट एक्सपोजर के लिए तैयार हो जाती है। ध्यान रखा जाना चाहिए सुखाते समय किसी छायादार जगह, सक्रिय प्रकाश की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ एक्टिव लाइट या में नहीं होना चाहिए और सेफ लाइट में उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर एक्टिव लाइट में आप काम करेंगे तो आपकी प्लेट ख़राब हो जाएगी और वो ब्लैक हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए सेफ लाइट में ये सारे काम करने, क्योंकि फोटोग्राफिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। प्लेट कोट होने के बाद सूख जाती है, सूखने के बाद उसको एक्सपोजर के लिए एक प्रिंटिंग डाउन मशीन एक है हमारे यहाँ, वो उसमें जो भी सिस्टम है उसमें वैक्यूम ख़त्म करने, वैक्यूम पैदा करने का सिस्टम है, तो उस प्रिंट डाउन फ्रेम में ले जा करके एयर टाइट कॉन्टैक्ट के साथ प्लेट के ऊपर जो भी है नेगेटिव की मार्फत एक्सपोजर दिया जाता है। तो नेगेटिव के खुले भाग या जो ट्रांसपेरेंट भाग है उनमें से प्रकाश प्रवेश करके प्लेट पर एक्शन देता है, एक्सपोज करता है उसको, और इस तरह से नेगेटिव के ट्रांसपेरेंट भाग से प्रकाश एंटर होकर के प्लेट के लाइट सेंसिटिव इमल्शन पर रिएक्शन करता है और वो एक इमेज का भाग बनता है। तो इस तरह एक निश्चित मात्रा में निश्चित समय का एक्सपोजर देकर के हम प्लेट को लाइट सेंसिटिव इमल्शन पर रिएक्शन के पश्चात या उनके एक्सपोजर के पश्चात प्रिंटिंग डाउन फ्रेम की मशीन को ऑफ करके और उसमें से वैक्यूम को ख़त्म करके प्लेट को निकालते हैं और उसको डेवलपमेंट के लिए ले जाते हैं। डेवलपमेंट के लिए विशेष करके डेवलपिंग बाज़ार से रेडीमेड मिलती हैं, उसमें लिखा हुआ होता है कितनी मात्रा लेनी है, कैसे इसका उपयोग करना है। तो उसके लिए जो भी साफ कपड़ा है या स्पंज या जो भी कोई इसमें ऐसी स्थिति ना हो कि स्क्रैचेस पैदा कर दे प्लेट में, और सॉफ्ट कपड़े से या स्पंज से डेवलपिंग इंक लेकर के पूरे एक्सपोज प्लेट पर रगड़ा जाता है सर्कुलर मोशन में, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, ताकि वो डेवलपिंग पूरे एरिया पे कवर हो जाए। उसके बाद उसको साफ करके और भी उसमें जो प्रोसेसिंग केमिकल्स लगा करके उस इमेज को विजिबल बनाया जाता है। ये कह सकते हैं एक्सपोजर के दौरान लेटेंट इमेज जो होती है इनविजिबल, वो डेवलपमेंट के दौरान विजिबल यानी देखने योग्य बन जाती है। उसके बाद उस पर और भी सुरक्षात्मक केमिकल्स लगाए जाते हैं ताकि वो आगे से इमेज सुरक्षित रहे, इमेज एरिया इंक को ही कैच करे और नॉन इमेजरे पानी को कैच करे। तो इंक इमेज एरिया को इंक रिसेप्टिव बनाने और नॉन इमेजरे को वाटर रिसेप्टिव बनाने के लिए प्रोसेसिंग की जाती है। उसमें जो भी केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो सब बाज़ार में रेडीमेड हैं, वो सब कुछ आपको रेडीमेड मिलेगा, क्योंकि ये कुछ जगह तो पहले से ही अलग तरह की इंडस्ट्रीज हैं तो वो बनी हुई चीज़ देती हैं, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से आपको कम समय में यही जानना है कि जो बाज़ार में रेडीमेड डेवलपिंग इंक हैं या प्रोसेसिंग केमिकल्स हैं या डिसेंसिटाइजर्स हैं उनका यूज़ करके आप अंतिम चरण में प्लेट को डिसेंसिटाइज करते हैं। डिसेंसिटाइज करने के बाद उस प्लेट पर कोई रिएक्शन नहीं होगी और प्लेट सुरक्षित रहेगी। जब मशीन पर उसका उपयोग करेंगे तो मशीन में उसको दोबारा से उसको देख करके और उसमें प्रोसेस करके उसको यूज़ कर लेगा, क्योंकि उसकी इमेज जो भी हमारा डिसेंसिटाइजर है उससे प्रोटेक्टेड रहेगी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सामान्य चरण जो प्लेट मेकिंग के दौरान होते हैं वो है ग्रेनिंग, कोटिंग, एक्सपोजर, डेवलपिंग, आफ्टर ट्रीटमेंट्स, डिसेंसिटाइजिंग एट्सेट्रा। इस तरह से हमारी प्लेट बनकर तैयार हो जाती है और वो प्लेट मेकिंग डिपार्टमेंट से प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है और मशीन मैन अपने हिसाब से उसको आगे उपयोग में ले लेता है। इस पे हम कुछ सवाल बना सकते हैं, दो सवाल छोटे, एक छोटा, दो ऑब्जेक्टिव सवाल,
एक 6 नंबर का सवाल और एक 12 नंबर का। तो ऑब्जेक्टिव सवाल में हमें कह सकते हैं कि लिथोग्राफिक प्लेट में कौन से दो एरिया बनते हैं, तो हम कह सकते हैं ए में मात्र इमेज एरिया, बी में मात्र नॉन इमेज एरिया, सी में कह सकते हैं ए बी सही और डी में कह सकते हैं ए बी गलत। उसमें सी भाग आएगा कि उसमें इमेज और नॉन इमेज दोनों ही बनती हैं। दूसरा सवाल बन सकता है इमेज एरिया किसके प्रति संवेदनशील होता है, तो ए में आएगा ग्रीजिंग के प्रति, बी में आएगा वाटर रिसेप्टिव, सी में आएगा ए बी गलत, डी में आएगा ए बी सही। तो इसमें ए विकल्प आएगा वो ग्रीजिंग रिसेप्टिव होता है। सी में आ जाएगा कि लिथो प्लेट की प्रोसेसिंग से लिथोग्राफी के कौन से सिद्धांत की पालना होती है, तो ए में आएगा ग्रीस रिपल्स वाटर, वाटर रिपल्स ग्रीस, बी में आएगा ए गलत, सी में आएगा ए बी गलत और डी में आएगा समस्त गलत। तो इसमें हमारा ए सही आएगा, ग्रीस रिपल्स वाटर रिपल्स ग्रीस के सिद्धांत की बात होती है। इसमें ग्रीस एरिया इमेज एरिया होता है और वाटर का जो रिसेप्टिव एरिया वो नॉन इमेज एरिया होता है। इसे नॉन इमेज एरिया और इमेज एरिया की सेपरेशन के सिद्धांत पूरे हो जाते हैं, ये प्रोसेसिंग के में हमें किया जाता है। चौथा सवाल छोटा सवाल बन सकता है, पूछा जा सकता है कि डेवलपिंग के दौरान इमेज एरिया का क्या होता है, तो हम कह सकते हैं डेवलपिंग के दौरान लेटेंट इमेज विजिबल बनती है और लेटेंट इमेज के विजिबल बनने के लिए डेवलपिंग सॉल्यूशन के द्वारा इमेज एरिया ग्रीजिंग से ग्रीज रिसेप्टिव बन जाता है। तो वो पहली स्टेज होती है डेवलपिंग के दौरान, जो ग्रीजिंग के जो डेवलपिंग इंक में कुछ मटेरियल्स होते हैं और वो ग्रीजिंग बन के जो डेवलपिंग इंक है वो ऑयली एक किस्म की होती है और वहाँ इमेज एरिया में ऑयली इफेक्टिविटी, ऑयल रिसेप्टिविटी, इंक रिसेप्टिविटी का गुण पैदा हो जाता है। और डेवलपमेंट के दौरान ये भी होता है कि नॉन इमेज एरिया का जो अनएक्सपोज्ड भाग है वो साफ होकर के निकल जाता है। यानी आप कहेंगे डेवलपिंग के दौरान इमेज एरिया विजिबल बनता है और डेवलपिंग के द्वारा और अन्य प्रोसेसिंग के द्वारा से हम ग्रीजिंग रिसेप्टिव बनाते हैं, और नॉन इमेज एरिया का अनएक्सपोज्ड भाग साफ होकर निकल जाता है वो वाटर रिसेप्टिव बन जाता है। बड़ा सवाल ये बना सकते हैं कि लिथोप्लेट मेकिंग के सामान्य चरणों के नाम बताइए और कम से कम 3 चरणों की व्याख्या कीजिए। तो आप कह सकते हैं लिथोप्लेट के निर्माण के अनेक चरण हैं, जैसे ग्रेनिंग, कोटिंग, एक्सपोजिंग, डेवलपिंग, आफ्टर ट्रीटमेंट, डिसेंसिटाइजेशन एट्सेट्रा। अब इसमें 3 चरण की बात पूछी है तो आप 3 चरण वो बताइए जो ज़रूरी हैं। तो एक आप कोटिंग बताइए, एक एक्सपोजिंग बताइए, एक डेवलपिंग बताइए। तो कोटिंग में कहिए कि लाइट सेंसिटिव इमल्सन यानी प्रकाश संवेदी पदार्थों के मिश्रण से बना एक द्रव पदार्थ, लिक्विड कोटिंग सॉल्यूशन जो लाइट सेंसिटिविटी रखता है, उसकी एक संक्षिप्त और समान परत प्लेट पर चढ़ाई जाती है, उसको सुखाया जाता है सेफ लाइट में, सारे काम करके सुखा करके उसको हम सेफ लाइट में ही एक्सपोज करते हैं। एक्सपोजर के दौरान वो एयर टाइट कॉन्टैक्ट का जो वैक्यूम फ्रेम है उसमें उसको प्रोसेस करके प्रकाश के द्वारा एक्सपोज्ड भाग इमेज एरिया बनाते हैं, अनएक्सपोज्ड भाग नॉन इमेज एरिया बनाते हैं। तो एक्सपोजर के दौरान लेटेंट इमेज बनती है जो एक्सपोज्ड भाग पर निर्मित होती है। एक्सपोज्ड एरियाज़ को डेवलपिंग के दौरान नॉन इमेज एरिया साफ होकर निकल जाते हैं और एक्सपोज्ड एरिया इमेज एरिया का निर्माण करते हैं, कि लेटेंट इमेज जो एक्सपोज्ड एरिया की होती है वो ग्रीजी डेवलपिंग इंक की प्रोसेसिंग के द्वारा विजिबल हो जाती है और इमेज एरिया ग्रीज रिसेप्टिव हो जाता है, और नॉन इमेज एरिया अनएक्सपोज्ड भाग साफ होकर निकल जाते हैं वो नॉन इमेज एरिया का भाग बनते हैं। तो इस तरह हमारी कोटिंग, एक्सपोजिंग और डेवलपिंग 3 भाग पूरे हो जाते हैं। चौथे में आप ये कह सकते हैं इसके बाद इमेज को सुरक्षित रखने के लिए डिसेंसिटाइजर जो भी हैं उनको इस तरह से डिसेंसिटाइज करके रखा जाता है ताकि इमेज एरिया मतलब ख़राब ना हो और नॉन इमेज एरिया इंक पकड़ने लायक ना बनो। दूसरे शब्दों में इमेज एरिया को नॉन वाटर रिसेप्टिव बनाने और नॉन इमेज एरिया को नॉन इमेज एरिया को इंक रिसेप्टिव और इमेज एरिया को नॉन वाटर रिसेप्टिव। दूसरे संबंध में इमेज एरिया को वाटर रिपल्सन में लाने और नॉन इमेज एरिया को इंक रिपल्सन में लाने, यानी इमेज एरिया पानी को दूर भगाए और नॉन इमेज एरिया स्याही को दूर भगाए, ऐसी अवस्था में लाने के लिए इसकी डिसेंसिटाइजेशन प्रक्रिया द्वारा की जाती है, और डिसेंसिटाइजेशन के पश्चात इसको सुरक्षित करके रखा जाता है और मशीन के दौरान मशीन में इसको दोबारा से
इसके ऊपर के केमिकल को हटा करके इसके प्लेट को यूज़ करके अपना काम कर लेता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, यानी कि आप संक्षेप में कह सकते हैं कि लिथोप्लेट मेकिंग के सामान्य चरण हैं ग्रेनिंग, कोटिंग, एक्सपोजिंग, डेवलपिंग, आफ्टर ट्रीटमेंट, गैर संवेदीकरण इत्यादि। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं और इसके लिए YouTube पे वीडियो उपलब्ध हैं, उनके द्वारा देख सकते हैं। चूँकि भाषा उसमें अंग्रेजी है, इसकी थोड़ी प्रॉब्लम आती है और आपको देखने के लिए, बाकी इसके द्वारा भी आप समझ सकते हैं। और कुछ आपको लिखने का अभ्यास करना चाहिए, अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए और लिखने के अभ्यास से ऑब्जेक्टिव सवाल का, छोटे सवालों का, बड़े सवालों का अभ्यास करके आप इसको समझ सकते हैं। और बाकी मिश्रा जी की इमेज करियर सरफेस, ऑफसेट इमेज करियर सरफेस, लिथोग्राफी की इमेज करियर सरफेस पे हिंदी अंग्रेजी में किताबें, उनको देख करके भी आप इस तरह की तैयारी कर सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।